दिल्ली के कोचिंग बेसमेंट हादसे में मारे गए 3 स्टूडेंट्स को लेकर छात्रों में भारी आक्रोश है। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज मौके पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी पहुंची, वहां उन्हें छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ देर की बातचीत के बाद छात्र शांत हुए और आतिशी ने छात्रों से बात की। धरने पर बैठे छात्रों को आतिशी ने समझाया, वहीं पेन पेपर लेकर आतिशी ने छात्रों की डिमांड भी लिखनी शुरू की। कोचिंग बेसमेंट हादसे के बाद छात्रों में आक्रोश है, गुस्सा है। दिल्ली सरकार अब कह रही है कि वो हर संभव मदद करेगी, एक्शन लेगी, कानून बनाएगी, मजिस्ट्रेट जांच के अनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन छात्र जो हैं वो इस मुद्दे पर लगातार अपना आक्रोश, अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से राव आईएएस एकेडमी ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में हादसे में 3 एस्पिरेंट्स की मौत हो जाती है, दर्दनाक हादसे के बाद से सवाल खड़े हो जाते हैं कि एनसीडी क्या कर रही थी जो आम आदमी पार्टी के अधीन है, दिल्ली सरकार क्या कर रही थी, डिसल्टिंग क्यों नहीं हुई थी, जल बोर्ड भी आम आदमी पार्टी के अधीन है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार सवालों के घेरे में आई थी, उसके बाद से लगातार डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की जा रही हैं। कोचिंग बेसमेंट हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन भी जारी है। आज जब आतिशी छात्रों से बात कर रही थी उस वक्त एमसीडी का बुलडोजर एक्शन में था। राउस कोचिंग सेंटर जहां ये हादसा हुआ उसके गेट को बुलडोजर ने तोड़ दिया। आतिशी ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि जांच रिपोर्ट के बाद और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आतिशी ने कहा कि मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी चल रही है और जांच में अगर बड़े से बड़ा अधिकारी भी दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आतिशी ने इस दौरान छात्रों को ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिस बनाने का भी भरोसा दिया। पहले मैंने 7 दिन का समय दिया है, एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी